दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी एग्जाम की। और आपको पता ही होगा ग्रुप टू सब ग्रुप फोर यानी पटवारी का रिजल्ट जो है जारी कर दिया है हमने। इससे पहले दो वीडियो आपको बना के दे दिए हैं जिसमें आपको एडीयू का जो कट ऑफ है उसके बारे में हमने पूरा जानकारी दी है और साथ ही साथ पटवारी और अदर वैकेंसी के बारे में भी अदर जो पोस्ट है उनके बारे में हमने बताया। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं जो कट ऑफ है वो सहायक प्रबंधक जो कि अच्छी खासी इसकी ग्रेजुएट थी और काफ़ी सारे लोगों ने इसको प्रेफरेंस में रखा था। इसकी कट ऑफ कितनी गई थी आप सभी लोगों को देखना बहुत जरूरी है। तो आइए पोस्ट कोड नंबर 129 के बारे में जान लेते हैं। 95 पोस्ट थी और एलोकेट की गई है 93 पोस्ट और 10 बैकलॉग में पोस्ट थी। तो उसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं 129 यानी कि पोस्ट कोड नंबर 129 में जो आपका एस लिखा है यानी एक्स सर्विसमैन फीमेल में बात कर रहे हैं जनरल में। तो इसके लिए कोई भी व्यक्ति नहीं मिला एक सूटेबल। एस लिखा है मतलब एक्स सर्विसमैन में तीन जनरल में तीन व्यक्ति थे जो कि एक्स सर्विसमैन थे और उनके लिए बात करें तो 134 यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिली है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपको जनरल में फीमेल में सात पोस्ट थी जो इनके लिए जो जनरल फीमेल सात में 155 कट ऑफ देखने को मिला है। जो बाजू में जो लिखा है वो आपका क्या लिखा है दोस्तों ये आपका वेटिंग के लिए कट ऑफ रहा है यानी पहला व्यक्ति जो है वेटिंग में है तो उसका नंबर इतने वाला पे वेटिंग है। वेटिंग और इसके बीच में देखिए कितना भारी अंतर है आप समझ सकते हैं। इससे जनरल की बात करें अगर जनरल में ओपन में 17 पोस्ट थी मेल्स के लिए तो 158 पर यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिली है और वेटिंग वालों के लिए 148 वाले भी जो हैं वो वेटिंग पे हैं एडीओ के लिए ठीक है ना। एससी की अगर बात करते हैं एससी में अगर हम बात करते हैं तो जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 112 गया है कट ऑफ एक्स सर्विसमैन में एससी में। और अगर बात करें हम नॉर्मल जो कैंडिडेट हैं जो कि जो तैयारी करने वाले लोग हैं अगर उनकी बात करें जो एक्स यहाँ पर ये लिखा है फीमेल में अगर बात करें तो 139 गया है और बाकी 10 पोस्ट हैं नॉर्मल एससी के लिए पुरुषों के लिए। तो वो आपको बात करें तो वो रहेगा आपका कितना वो रहेगा आपका 146 ठीक है ना 146 रहा यहाँ पर। और अगर एसटी की बात करें तो एसटी में फीमेल में 6 पोस्ट थी और 129 गया है इसका कट ऑफ ठीक है ना 129। और अगर एसटी में 11 पुरुषों की बात करें तो इसके लिए जो गया है वो 136 देखने को मिला आपको कट ऑफ ठीक है ना। अगर ओबीसी में अगर बात करते हैं तो ओबीसी में फीमेल में आपको 6 पोस्ट के लिए 147 यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिला है। ओबीसी अगर बात करें 17 में 154 यहाँ पर जो है कट ऑफ देखने को मिला है। ईडब्ल्यूएस में बात करें तो एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 126 यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिला है। और इसके बाद ईडब्ल्यूएस फीमेल में बात करें तीन पोस्टों के लिए 149 देखने को मिला है। ईडब्ल्यूएस में जनरल में 5 कैंडिडेट थे 156 यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिला है। अब बैकलॉग की बात कर लेते हैं बैकलॉग वाली 130 यानी 130 पोस्ट कोड नंबर फीमेल में एससी में अगर बात करें दो पोस्ट थी 141 यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिला। एससी में अगर बात करें हम जनरल में तो यहाँ पर इनके लिए 145 देखने को मिला है। साथ ही साथ अगर बात करें हम फीमेल एसटी में तो यहाँ पर बैकलॉग वाले में 128 और 134 देखने को मिला है हम एसटी में क्योंकि तीन पोस्ट थी। तो इस प्रकार से कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिला। आने वाली कई प्रकार की पोस्टों के लिए हम जो भी कई प्रकार की पोस्ट हैं एडीओ के लिए हमने बता ही दिया है समग्र संपर्क जो आपका प्रबंधक इसके बारे में यहाँ हमने बता ही दिया है। इसके बाद हम बताने वाले हैं आपको और भी कई पोस्ट हैं जिसमें समग्र विकास विस्तार अधिकारी और भी अलग अलग पोस्टों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। डिस्पैच क्लर्क वगैरह जो डेयरी फेडरेशन की उनकी जानकारी आपको मिलेगी। तो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल और वीडियो लाइक जरूर करें साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर नए हैं तो और वीडियो को शेयर करना बिना भूलें। थैंक यू।